नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें, ललितपुर नगर में विजयदशमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ललितपुर की गोविंद नगर स्थित रामलीला मैदान में ललितपुर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएम बेग और जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने भगवान की आरती उतारकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बार रावण का पुतला वाटरप्रूफ बनवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में निर्मित होकर आया था, जो इस बार दशहरे का मुख्य आकर्षण रहा। तो वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो मोबाइल क्रांति के चलते रावण दहन से ज्यादा सेल्फी प्वाइंट बना रहा। रामलीला का ग्राउंड हर किसी की हाथ में मोबाइल से रावण दहन की तस्वीरें कैद करने की ललक थी और अपने कैमरे में तस्वीरें कैद करने के लिए सभी बेताब थे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ललितपुर से मनोज जैन के साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार सुनील बुड़बार की रिपोर्ट। Ah!